जी, मोटरसाइकिल रक्षे में बैठा हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरा। ये पता नहीं एकदम से ये कहाँ से आ गया। अच्छे हैं और ये पके हुए हैं, इसको ट्राई करते हैं कि अभी बने, बहुत गर्म है। बहुत मज़ा। फ्लाइंग कप कैफ़े है, ये देखें आप, लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से चाय ख़रीदते हैं और ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा के पियेंगे, यहाँ जा के। इनका फूड कोर्ट बहुत अच्छा है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सबसे बड़ा जो सीटिंग का निज़ाम है ना, वो तो ना ज़बरदस्त किस्म का है। मतलब कि आउटडोर सीटिंग है, बहुत अच्छा है, जो कि एक मज़ा आता है। सेम वो ही मैं आपको बार बार, जिस तरह वो आपको पहले भी बताया था मैंने, कि जिस तरह ग्लोबल विलेज में आके आपको थोड़ा सा आता है ना, फील होता है, वैसी फीलिंग ये है। मेरे सामने वो देखें, डिफरेंट कंट्री भी हैं पर आप शायद आपको दूर से नज़र आए, इंशाल्लाह वहाँ भी लेके जाएंगे आपको। इस साइड पे राइड्स हैं बच्चों के लिए, ये भी बिल्कुल बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके लिए है, इंजॉय करने के लिए। मुझे तो इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, वो हिस्टोरिकल लगा, क्योंकि आई लव हिस्ट्री, तो मज़ा भी आया देख के। सॉरी ब्रदर, मोर सेलर क्रिस्पी चिकन और जिंगर, और जिंगर स्पाइसी वन, ओके। इसको लुकमत कहते हैं, ये बड़ा अच्छा और नाइस सा एक फूड ट्रक है, तो सोचा यहाँ से खाना थोड़ा ट्राई किया जाए। सॉसेज वगैरह लगी हुई हैं, ये देखें जी, इसको लुकमा बोलते हैं। ये इसके सेसमी मैंने नहीं लगवाया इसके ऊपर, ये बेसिकली इसके ऊपर डेट सिरप है, जो कि क्या कहते हैं, खजूरों का सिरप है। इसको ट्राई करते हैं कि अभी बने, बहुत गर्म है। बहुत मज़ा, फर्स्ट क्लास, ये ट्राई करने वाली चीज़ है। आप अपनी मर्ज़ी से कह के इस पर सिरप कम भी लगवा सकते हैं। You need the ketchup? Yes, please. Ketchup? Yes. Only ketchup? वो थोड़ा सा मीठा हो गया था तो मैंने कॉर्न डॉग भी मंगवाया और साथ वनीला लाटे, तो मैं थोड़ा सा ये खाता पीता हूँ तो फिर उसके बाद दोबारा हम घूमते फिरते हैं, ठीक है। ये कॉर्न डॉग भी आ गया, तो कॉर्न डॉग भी ट्राई करते हैं। इसके ऊपर हल्की सी केचप डलवाई है, तो मैंने इसलिए डलवाई क्योंकि बहुत सॉसी हो जाती है। टेस्टी है पर ये हबशी कॉर्न डॉग है। बहुत काला कर दिया उसने, इसका ये कलर नहीं होता नॉर्मली। टेस्ट अच्छा है इसका, बाय द वे। ये देखें इस तरफ, ये सब फूड ट्रक्स हैं और फूड स्टॉल्स हैं। ये मसल्स हैं, ये मसल्स बना के देते हैं यहाँ स्पाइसी। ये बड़ी ज़बरदस्त एक वॉक है, मज़ा आ रहा है बाहर फिर के। ये आउटसाइड एरिया और आज बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हवा चल रही है। ये देखें जी, ये भी वैसी बोस्टन कबाब है सेम, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले वहाँ ग्लोबल विलेज में। ये कच्चे हैं और ये पके हुए हैं।
किस तरह फ्राइड्स हैं आगे चल के, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, टर्की है, पाकिस्तान है, यमन है, अफ्रीका है, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ भी बैठने के लिए सेटिंग बहुत अच्छी सी बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, बहुत नाइस और क्या कहते हैं, बड़ी क्लासी सी सीटिंग बनाई है इन्होंने। फ्लाइंग कप कैफ़े है, ये देखें आप, लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से चाय ख़रीदते हैं और ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा के पियेंगे, यहाँ जा के, ये देखिए आप, ये देखें आप, ये टॉप पे जाके आप चाय पीते हैं, और इसलिए इसका नाम मैं आपको दूर इधर से दिखाता हूँ, इसका नाम फ्लाइंग कप कैफ़े। मिस्टर रोनाल्डो प्रिंस शॉप, और आगे ऐसे आप देखें, क्यूट लिटिल दुकान है, ये क्यूट सा बेबी बैठा हुआ है, ये लगता है ये दुकान का ऑनर है, दैट्स वेरी नाइस। हेलो, ब्लूबेरी जूस बेच रहे हैं, इन्होंने कहा था कि ये बड़ा जो कप है 15 दिरहम का है, और छोटा कप आई डोंट नो स्टैंडर्ड साइज़ है मेरे ख्याल में, और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हाथ लगा के देखा है मैंने, काफ़ी ठंडा है, तो ये एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रिफ़्रेशमेंट है, चलते फिरते रिफ़्रेशमेंट। थैंक यू सो मच ब्रदर। शर्ट पर अगर आप देखें ज़रा, एक बड़ी फ़नी चीज़ नज़र आई मुझे, अब्राहम लिंकन की पिक्चर भी बनाई हुई है, ये ज़रा फ़नी पिक्चर, तो ये बनाते हैं। हाउ मच यू चार्ज ब्रदर? 60 फॉर द कैरिकेचर एंड द रियल वन 100। ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, दैट्स गुड। ये इस तरफ टेंट विलेज है, और मैं देख के आया हूँ यहाँ कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो ये दिस इज लुकमत, ये सॉरी लेमन, व्हाट इज कॉल्ड लेमन, आई एम सॉरी, ये देखें, ये एक सिस्टर बना रही हैं लेमन, ये मैदे के बने हैं बेसिकली, इस तरफ इसका मटेरियल पड़ा और इस तरफ ये है, ये बिल्कुल उन्होंने अपना पुराना सकाफ़ती कल्चर को देने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस तरह के हर्ट्स बनाए हैं, ताकि इनका कल्चर भी इंट्रोड्यूस हो अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए इन्होंने कैसे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, और कश्तियाँ वगैरह बोट्स रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखिए यहाँ सिपियाँ वगैरह, शेल्स वगैरह, यहाँ देखें आप, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को सजा के रखा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का हट बनाया इन्होंने, और सजाया भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अपार्टमेंट
एंड कल्चर एंड टूरिज्म। ये देखें यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है और लोग बैठे हुए हैं। मुनासिब समझे तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक ग्राउंड सा छोटा सा बनाया हुआ है और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं आप। एरिया बहुत बड़ा नहीं है पर आपको गोल गोल ये ऐसे सर्कल में ही आपको ये चक्कर देंगे घुमा फिरा के। ये पता नहीं एकदम से ये कहाँ से आ गया। तो जी आज का टूर बहुत मज़े का था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। बीच में स्नैक्स भी किए, इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ भी देखी, पर मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं देखी। मैंने दूसरी साइड पे सकाफ़ती साइड पे कल्चरल साइड ज़्यादा देखी और मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की है। और कंट्रीज़ यहाँ हैं ग्लोबल विलेज की तरह पर इतनी बड़ी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मोटर के रक्षे में बैठा हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरे।